समर सेमिस्टर के बारे में यूनिवर्सिटीज अपना अपना जीआर पब्लिश तो कर रही है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से स्टूडेंट को कोई भी अभी तक रिप्लाई नहीं मिल रहा है। उसके अगेंस्ट स्टूडेंट के मन में गुस्सा ठूस ठूस के भरा है, क्योंकि अभी उनका उन्होंने जो सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं उसके लिए सभी स्टूडेंट की यही डिमांड थी कि हमको ऑनलाइन एग्जाम चाहिए, और यदि गवर्नमेंट ये नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में वो स्टूडेंट और उसके साथ उसके 2500 फैमिली मेंबर रहते जरूर है, वो नो ओट पॉलिसी के साथ जो वीसी है यूनिवर्सिटी के, उन्होंने स्टूडेंट से बातचीत करना स्टार्ट किया है। 19 अप्रैल के मुंबई यूनिवर्सिटी में हो रहा है, 20 अप्रैल को अमरावती यूनिवर्सिटी में हो रहा है, और हर एक स्टूडेंट्स को अपना अपना वीसी के साथ कुलगुरु परिसंवाद करके उन्होंने ये मुहिम स्टार्ट की है। उसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट करके अपने जो प्रॉब्लम्स है वो उनको बता सकते हैं। बट दोस्तों यही पे कहीं पे तो लग रहा है कि जो हर एक स्टूडेंट की डिमांड थी ये सेमेस्टर खाली ऑनलाइन होनी चाहिए, उसको अभी तक कहीं से भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। स्टिल द स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग, ट्राइंग टू रीच टू द मिनिस्टर्स, MLAs, MPs, वी आर स्टिल ट्राइंग, वी विल ट्राई टिल द एंड, टिल द टाइम यू डोंट गिव अप योर स्टडी। स्टडी तो करना है, नॉलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, आपको नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर अपडेट्स, व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्ट्रेटजी। टिल द टाइम कीप स्टडीइंग आल्सो। नमस्ते दोस्तों, दिस इज बालूशा, वेलकम बैक टू बालूशा एजुकेयर। डियर ऑल, अभी यूनिवर्सिटी वाइज समर सेमिस्टर के बारे में जीआर निकल रहे हैं। अभी अमरावती यूनिवर्सिटी का भी आया है, उन्होंने भी कोविड के पहले वाला जो एग्जाम था डिस्क्रिप्टिव मेथड वैसे एग्जाम लेने के बारे में स्टूडेंट को बताया है। नागपुर यूनिवर्सिटी का 1 अप्रैल को मीटिंग होने वाली है, वो स्टूडेंट को होप्स है कि उनकी एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही होगी, क्योंकि कल तक उस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन NSC की ओर से, NSUI की ओर से स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट चालू है और चालू ही रहेगा जब तक यूनिवर्सिटी उनके फेवर में रिजल्ट नहीं देती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी कोविड के केसेस बढ़ रहे, किसी किसी कॉलेजेस में ऑलरेडी केसेस पॉजिटिव मिल चुके हैं, फिर भी स्टूडेंट से एग्जामिनेशन ली जा रही है और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन महाराष्ट्र कोविड का टेस्टिंग ही बंद कर दिया गया है। जैसे कि आप रत्नागिरी में देखो, वहां पे भी गवर्नमेंट की ओर से, डिस्ट्रिक्ट की ओर से पूरा है अलर्ट जारी किया है। सो अभी इसके बेसिस पे अभी गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो क्या डिसीजन लेती है, लेकिन यूनिवर्सिटी भी बिल्कुल फेवर में स्टूडेंट के नहीं है कि वो ऑनलाइन एग्जाम ले। स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्यों मांग रहे हैं, उनको बहुत सारे इश्यू है, ये इनको समझना बहुत जरूरी है। अभी एक वीक तक इस सबका फॉलोअप चलता रहेगा, लेकिन अभी बाद में सभी पता चलेगा ये कितना सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसमें एक ही होप है कि कोई यूनिवर्सिटी ऑनलाइन डिक्लेयर करती है तो दूसरे वाले स्टूडेंट को भी ऑनलाइन ही चाहिए, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और बहुत है। एक सेना के लेटर के उसे हायर एजुकेशन मिनिस्टर 15 दिन बढ़ा के देते हैं, फिर बाकी के स्टूडेंट का क्या, वो इतने दिन से लेटर लिख रहे हैं, ट्विटर कैंपेन चला रहे, ईमेल भेज रहे हैं, किसी को जाके मिल रहे हैं, फिर भी उनको अभी तक कोई भी पर्सनल रिप्लाई नहीं है, कोई भी किसी की ओर से रिप्लाई नहीं आया है। MSBT के स्टूडेंट है, वो भी MP से जाके मिल रहे हैं, अभी 2 दिन में वो भी अभी उनके डायरेक्टर से जाके मिलने वाले हैं, फिर भी अभी और अपने प्रॉब्लम्स बताने वाले, देखते हैं उनके फेवर में क्या रिजल्ट आता है। इसके बीच में मुझे तो लग रहा है जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट ने किया, जैसे गुजरात में किसी स्टेट का हो रहा है, वैसे महाराष्ट्र के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, COM है, उनको यहाँ पे इंटरफेयर करना चाहिए और फाइनली ये सेमिस्टर खाली ऑनलाइन वो ले सकते हैं, क्योंकि अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे, फिर उनका टाइम भी उसमें बहुत जा रहा है, रिजल्ट का भी अभी तक पता नहीं है, स्टूडेंट को डीमोटिवेट भी नहीं करना है, उनको बहकाना भी नहीं है। तो स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि यू नीड टू कीप स्टडिंग, जो भी आएगा उसको हमें फेस करना ही पड़ेगा। हर कोई अपने लेवल से ट्राई कर रहा है, बहुत कंसर्न की बात है जो कॉलेजेस में UTs हो रहे हैं उसमें भी स्टूडेंट को PT लग रही है, तो स्टूडेंट को डेफिनेटली लग रहा है, वैसे भी हमारा साल जा रहा है और जो हम एग्जाम में देंगे वैसे भी देगा, तो इसके लिए स्टूडेंट की ओर से प्रोटेस्ट की मांग ज्यादा बढ़ रही है। यूनिवर्सिटी में जाके देखो क्या चल रहा है, क्योंकि आपका उनको
कुछ सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूनिवर्सिटी वाइज बिलोंग करते हो तो जरूर कहीं ना कहीं पे तो स्टूडेंट साथ में आ रहे हैं और उसके अगेंस्ट जो भी उनको मिल रहा है उसके अगेंस्ट बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स्ट्रा में जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक तो उदय सामंत सर जी ने बोला था कि सबकी एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगी, तो सबकी ऑफलाइन ही लेनी चाहिए थी और सबकी एक ही पेपर पैटर्न में लेनी चाहिए थी। अभी क्या हो गया, अभी इनका जो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता गया, मुंबई का अलग डिसीजन आ गया, जलगांव का अलग डिसीजन आ गया, सोलापुर का अलग डिसीजन आ गया, कल अमरावती का भी आ गया, तो अभी बाकी के स्टूडेंट को लग रहा है नागपुर का और अलग आ जाएगा, तो हमारे साथ इनजस्टिस क्यों बाकी, क्योंकि जो हमारे पास जो डिग्री आने वाली है वो तो सेम कोर्सेज की ही आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अभी अमरावती यूनिवर्सिटी ने अपना जीआर तो डिक्लेयर कर दिया गया है, मुंबई का भी ऑलरेडी आया है और बाकी के एमएसबीटी का भी ऑलरेडी उनको सर्कुलर आ गया है कि आपकी एग्जामिनेशन एसएससी मोड से होगी, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स।